हेलो बच्चों, आप सब क्लास 8 के बच्चे हैं और आप लोग 9th का इंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं। क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम मैथ्स में कैसे अच्छे नंबर लाएं। आप सभी के माँ बाप जो है पेरेंट्स यही सोचते हैं कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, पास के स्कूल में करवा देते हैं, फिर बाद में 8th क्लास तक पढ़ने के बाद 9th से हायर एजुकेशन के लिए इनको अच्छे स्कूल में करवा देंगे। फिर चाहे वो AMU में करवाएं, जामिया में करवाएं, CHS में, नवोदय में, किसी भी स्कूल में आपका एडमिशन कराएं, उन सब में आपको जो मैथ्स का है पेपर वो बहुत हार्ड हो जाता है। सिटी के भी माँ बाप चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दें, तो सिटी के भी अपने ही सिटी में आप लोग पढ़ रहे हैं, पर अच्छे स्कूल में जब एडमिशन चाहते हैं तो बहुत हार्ड मैथ्स का पेपर जो है वो बहुत हार्ड रहता है। तो इसके लिए हमको आपको एक सजेशन देना है कि आप जब मैथ्स का जो है टेस्ट देंगे तो उसके लिए आप अपनी कोई भी स्कूल की जो बुक पढ़ रहे हैं क्लास 8 में उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक भी सम उसका आप स्किप नहीं कीजिए। और उसके जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, पीछे आप देखिएगा कभी कभी रिव्यू टेस्ट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस टाइप का होता है हर चैप्टर के पीछे मैथ्स में, जो भी बुक रही हो, जो भी राइटर की रही हो, उसको आप जरूर लगाइए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बच्चे जो है छोड़ देते हैं कि ये तो पूरा चैप्टर तैयार हो गया, ये तो बेकार का है, लेकिन उसमें जो है सब चीज का निचोड़ होता है, पूरे चैप्टर के एक एक सम्स का निचोड़ होता है। और उसमें आप देखिएगा कभी भी कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं पूछी जाती है, कैलकुलेशन बहुत ही ईजी रहती है, बस ये देखा जाता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो इसके लिए आप अपनी जो भी बुक पढ़ रहे थे पिछले साल 8 में पढ़ रहे हैं उसको जरूर अच्छे से लगाइए, MCQ उसका लगाइए। उसके बाद अगर आपका मतलब किसी अच्छे स्कूल में देने का है तो आप एक RS अग्रवाल की बुक खरीद लीजिए। अगर आप CBSE बोर्ड के जैसे एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं किसी भी स्कूल, जो CBSE बोर्ड है क्लास 10th के लिए, जैसे अलीगढ़ में एडमिशन चाहते हैं या आप जामिया में चाहते हैं या CHS में चाहते हैं, तो आप क्या करिए CBSE बोर्ड की जो है NCERT की बुक जरूर लगाइए, अपनी बुक लगाइए, फिर NCERT की क्लास 8 की बुक लगाइए। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो RS अग्रवाल की बुक लगाइए। ये RS अग्रवाल मैथ्स की जो बुक है इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट रहता है, इससे आप जरूर लगा लीजिए, कंपटीशन के लिए बेस्ट बुक है। तो इससे आप जो है पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बहुत अच्छा मैथ्स का पेपर दे पाएंगे। तो देखिए आज जो हमने ये बनाया है वीडियो, ये फार्मूला के ऊपर है, जितने फार्मूला है हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं और इस फार्मूला का कॉन्सेप्ट भी हम आपको उसके साथ ही क्लियर करा देते हैं, जिससे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। ये देखिए सबसे पहले जो है ये नेचुरल नंबर जो है, यहाँ देखिए ये नेचुरल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, मतलब जितने भी नंबर हैं इससे बड़े सभी नेचुरल नंबर हैं जिसे हम काउंट कर सके, वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर होल नंबर, तो ये होल नंबर देखिए क्या होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 और सो ऑन। सो ऑन मतलब जो है कोई भी ज्यादा नंबर, 110 या इससे ज्यादा इन्फिनेटिव तक जितने नंबर्स हैं वो सभी क्या है? होल नंबर है। मतलब होल नंबर में निगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं वो 0 भी होते हैं, 1, 2, 3, 4 मतलब होल नंबर तो कंटेनिंग होते हैं, पर निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। निगेटिव नंबर मतलब -1, -2, -4, तो ये आपका क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हो जाएगा? निगेटिव नंबर भी रहेगा, पॉजिटिव नंबर और विथ 0, 0 यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पर 0 रहता है। रैशनल नंबर क्या होता है आपका? तो रैशनल नंबर आपका होता है P/Q की फॉर्म में होता है, जहाँ क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्यू और पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो आपको पता ही क्या होते हैं, मतलब माइनस में भी नंबर हो सकते हैं और 2, 3 कोई भी नंबर हो सकते हैं और 0 भी रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रैशनल नंबर। फिर उसके बाद है ये इंटीरियर एंगल। ये देखिए इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल होता क्या है? तो आपको पता है कि कोई भी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन किसे कहते हैं? जो साइड हो, जो क्लोज फिगर हो। पॉलीगॉन क्या है? जैसे आपका ट्रायंगल है, ये क्या है आपका? क्लोज फिगर है, ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल है, रोम्बस है, तो ये सभी क्या कहलाएगा? ये सभी आपका कहलाएगा पॉलीगॉन। तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो है उसको निकालने के लिए अगर एग्जाम में आ जाता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा जबकि एन साइडेड है, जैसे कि 4 साइड है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 4 साइड का जब पॉलीगॉन है, मतलब आपका क्या हो गया? ये रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का एक्सटीरियर एंगल देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, ये क्या होता है एक्सटीरियर एंगल? 360/n, 360/n, जहाँ एन जो है वो क्या है? साइड को रिफर करता है। तो ये जैसे कि अगर हमने ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 का हमने बना दिया है, ठीक है ना, ये देखिए 6 साइड का बनाया है पॉलीगॉन, हेक्सागोन है मतलब ये, तो इसका हमको क्या है? एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? 360 में से किसको डिवाइड कर देंगे? 6 को।
इसका अगर हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा इस फिगर का, तो 360 में से, 360 में से हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखिए क्या है नंबर ऑफ, ये क्या है साइड, तो नंबर ऑफ साइड कितना है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 60। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर का एंगल कितना आ गया 60। तो अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना पूछा जाएगा तो हम इससे निकाल सकते हैं। उसी तरह इसका हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल, मतलब अगर हम पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ साइड कितना है जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या है 30, नंबर ऑफ साइड कितना है जबकि एक्सटीरियर एंगल क्या है 30, तो हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा नंबर ऑफ साइड आ जाएगा। जैसे इसको हमने काउंट किया ना 6 साइड का है, तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकालेंगे, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। जैसे इस वाले में अगर हमने हेक्सागोन लिया है तो 360 अपॉन 60 जब हम करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इधर देखिए, अगर हमने ये नंबर ऑफ साइड निकालना है कि इस पॉलीगॉन का साइड क्या है जिसका एक्सटीरियर एंगल 60 है, तो हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ देखिए 360 में से क्या डिवाइड करना पड़ेगा हमको, 360 में से 60। तो जब हमने 360 में से 60 डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 6, मतलब मेरा क्या है ये 6 साइड का पॉलीगॉन है। क्या आ गया ये 6 साइड, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साइड का पॉलीगॉन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, किसी भी क्लोज फिगर में, जैसे ये देखिए रेक्टेंगल है, इसके क्लोज फिगर में अंदर जितने एंगल है 1, 2, 3, 4, इन चारों एंगल का जोड़ क्या कहलाता है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है कि इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना होगा, ये इंटीरियर एंगल का जोड़ होता है n-2 into 180। तो अगर आपका ये जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछा है तो n क्या है, ये साइड को बताता है, साइड, जैसे इसमें 4 है तो ये क्या करेंगे 4-2 कर देंगे। अगर हम इसका निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल मतलब चारों एंगल का जोड़ कितना है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये 4-2 क्योंकि इसके साइड कितने हैं 1, 2, 3, 4, तो क्या कर देंगे 4 में से 2 को माइनस करेंगे और इंटू क्या कर देंगे 180 से मल्टीप्लाई। तो 4 में से जब हमने 2 को माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा 2 into 180, तो 2 into 180 तो क्या हो जाएगा आपका 360। ये कितना हो गया, ये 360। तो आपको पता है रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है 360। वैसे ही अगर आपने क्या ले लिया यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अगर आपका क्या है ट्रायंगल है तो यहाँ पे आपने 3 लिखा तो 3-2 क्या लिखेंगे 3-2, तो 3-2 आ गया तो 1 आ गया, फिर उसका किससे मल्टीप्लाई करना है 1 का 180 से, तो देखिए 180 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। मतलब ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जोड़ आपको पता है ऐसे भी 180 होता है, तो ये हमने क्लियर करने के लिए समझाया था। ठीक है, फिर देखिए क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, इसमें आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। जैसे कि है इफ द डिनोमिनेटर इज द फैक्टर ऑफ ओनली 2 और 5, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर है उसको देखना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो हमको ये देखना होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो 5 का फैक्टर होना चाहिए, 2 का फैक्टर होना चाहिए, या 5 और 2 दोनों का भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, जैसे 50 है, ये 5 और 2 दोनों का फैक्टर है, तो किस किस का फैक्टर होना चाहिए, 5 का 2 का, या 5 और 2 दोनों का फैक्टर हो सकता है, पर कोई और नंबर नहीं होना चाहिए फैक्टर में। जैसे 3 है 7 है 13 है 11 है, ठीक है 23 है, ये सब अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब आप ये समझिए पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसका आंसर पूरा आ जाए, डेसिमल के बाद क्या आ जाए उसका आंसर पूरा आ जाए। जैसे कि अगर आपका है 1/5, तो 1/5 को आपको हम बस समझा रहे हैं, टर्मिनेटिंग बच्चे कभी कभी क्लियर ही नहीं होता है उनको कि टर्मिनेटिंग है क्या। तो देखिए 5 से 1 को हम डिवाइड करना दिखा रहे हैं, तो 5 से 1 तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ डेसिमल लगा के 0 बनाया, तो आप बताइए क्या आ जाएगा, क्या आ गया ये 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, मतलब इसका आंसर पूरा कंप्लीट आ गया। क्या आ गया आंसर इसका 0.2, ये 1.5 का मतलब क्या है 0.2, मतलब कंप्लीट आंसर आ जाता है। अगर आपका कंप्लीट आंसर आ जाता है डेसिमल में तब इसे क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और कभी कभी आप देखिएगा कि आंसर नहीं आता है डेसिमल में, कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे अगर आपने ले लिया 1/3, सपोज नंबर है मेरा 1/3, ठीक है ना, तो 1/3 को अगर आपने डिवाइड किया, मतलब हमने क्या किया 3 का
हमने 3 का 1 में डिवाइड दिया, तो देखिए ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। 3 में 1 का डिवाइड दिया तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो देखिए 3 में 1 में जाएगा नहीं, तो ये 0 लगा दिया, फिर पॉइंट लगा के हमने यहाँ 0 बढ़ाया। अब ये 3 में 10 का दिया तो क्या आ गया, 3, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 9 आया। ये क्या हो गया, 9 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1 बच गया, फिर 0 उतारा, फिर 0 यहाँ से उतारा, फिर 3 आ गया, फिर देखिए 9, फिर उसके बाद आपने देखा इसको कि अभी भी कंप्लीट नहीं है, ये अभी फिर से बच गया रिमाइंडर। तो ये सो ऑन आता रहेगा, सो ऑन सो ऑन, मतलब ये क्या आ जाएगा आंसर मेरा 0.333 सो ऑन, ठीक है, ये नंबर कभी कंप्लीट नहीं होगा, 333 रिपीट होता जाएगा। तो ऐसे कई नंबर्स होते हैं जिसका आंसर जो है जब हम लोग डेसिमल में उसको देखते हैं तो डेसिमल में उसका आंसर कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम केवल आपको मतलब अच्छे से समझाना चाह रहे हैं, बच्चे पूरी क्लास 10th कंप्लीट कर लेते हैं, 12th कंप्लीट कर लेते हैं, पर नॉन टर्मिनेटिंग में आंसर दीजिए वो नहीं समझ में आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में तो नहीं समझ पाते हैं इसका मतलब, इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्लीट आंसर, और नॉन टर्मिनेटिंग में होता है कि आंसर कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, रिमाइंडर हमेशा बचता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो ये इसके लिए देखिए फैक्टर क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग के लिए फैक्टर होना चाहिए 5 में या 2 में या 5 और 2 दोनों में। तो देखिए जैसे 1/25 है, देखिए हम इसको समझा रहे हैं आपको, क्लियर कर रहे हैं, जैसे 125 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 × 5 × 5, ये आपका क्या हो गया 125 का फैक्टर आ गया 5 का क्यूब, मतलब डिनोमिनेटर इज द फैक्टर ऑफ 5, ठीक है। अगर ये आपका 1/8 है, जैसे कि यहां पर देखिए ये 1/8 को भी यहां पे बता रहे हैं कि 1/8 है, तो इसको हम क्या कर देंगे 2, फिर क्या करेंगे 2 × 2, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, डिनोमिनेटर इज द फैक्टर ऑफ 2, 2, 2, ऑलवेज 2 का फैक्टर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। फिर अगर 1/50 है तो 1/50 का अगर हमने फैक्टर किया तो देखिए क्या आएगा 1/50, तो ये क्या आ जाएगा 2, फिर × 5 × 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर फैक्टर हो जाएगा 2 और 5 का, तो ये भी क्या आ जाएगा कंप्लीट आंसर आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसमें फैक्टर देखिए 3 और 5 ही है, देखिए 3, 7 ये सब नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 13 नहीं है, मतलब 2 ही और 5 है डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ जैसे 1/70 है, 1/70 है, तो इसके लिए अब आप देखिए अच्छे से आप लोग इसका क्या होगा 1/70 का, तो फैक्टर हम बताते हैं, डिनोमिनेटर का फैक्टर देखिए आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा ये 7, फिर क्या हो जाएगा 2 × 5, ठीक है, डिनोमिनेटर का फैक्टर हो गया। तो ये फैक्टर में क्या है 2 और 5 तो है, बताया ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या है, इज नॉट ओनली द फैक्टर ऑफ 2 और 5, मतलब 2 और 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है, तो यहाँ देखिए 2 और 5 के अलावा 7 है, तो इसको जब आप डिवाइड करके देखेंगे 70 को 1 से, तो कभी भी आंसर जो है कंप्लीट डेसिमल में नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता ही जाएगा, जैसे ये दिखाया था। अब जैसे कि 1/30 है, तो इसका अगर हमने देखिए बेटा, इसका अगर हमने क्या किया फैक्टर किया तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/3, तो 3 तो रहेगा और उसके बाद 10 होता है तो 2 × 5, अगर हम देखेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 तो है, देखिए 2 और 5 तो है, पर इसके अलावा 3 भी एक फैक्टर है, जो कि 3 जो है नहीं होना चाहिए, अगर हमको पूरा कंप्लीट आंसर चाहिए तो नहीं होना चाहिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि 3 की वजह से, अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो केवल 2 और 5 होता, क्योंकि बोला गया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वही होते हैं जिसमें 2 और 5 के ही फैक्टर होते हैं, उसके अलावा डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, जैसे 3 है 7 है, तो इस तरह सभी के इसमें फैक्टर में क्या जाए 14/17 5 है, तो इसका अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 5 × 5 × 7, क्या आ जाएगा 75 का 5 × 5 × 7, तो इसमें भी क्या आ गया आपका, इसका मतलब है एक फैक्टर क्या आ गया 7, 5, 5 तो सही है, एक फैक्टर 7 आ गया, तो इसके पीछे ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए इसमें प्रॉफिट और लॉस, ये आपको पता है जैसे कोई भी सामान जब खरीदा जाता है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है उसका, सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस जब कम होता है तो क्या होता है वो प्रॉफिट होता है। जैसे आपने एक पेन लिया तो पेन को अगर आपने खरीदा कितने रुपए में, 10 रुपए में, और उसको आपने 15 में बेच दिया तो आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, आपने खरीदा और अपने दोस्त को क्या किया गिफ्ट करके 15 रुपए में उसको बेचते हैं, तो 15 रुपए में अगर बेचते हैं तो आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए
और कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए कम। पर लॉस क्या होगा कि आपने एक पेन खरीदा 10 रुपए में और फिर उसको क्या किया 5 रुपए में बेचा, तो इसमें क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस क्या था ज्यादा था और सेलिंग प्राइस कम था, तो इसमें क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट का परसेंटेज, कि प्रॉफिट का परसेंटेज होता क्या है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट जितना होता है इनटू 100 और अपॉन कॉस्ट प्राइस। जैसे हमने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस उस पेन का कितना था 10 और प्रॉफिट कितना हुआ जब उसको उसने 15 में बेचा तो 5, तो 5 ऊपर रहेगा, 5 क्या रहेगा ऊपर रहेगा, 10 नीचे रहेगा इनटू 100, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। ऐसे ही लॉस परसेंट निकालना हो तो क्या निकालेंगे लॉस परसेंटेज के लिए, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और इनटू 100, तो ये आपका लॉस परसेंट निकल जाएगा। इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज भी जैसे होता है कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ओरिजिनल वैल्यू जो है उसको क्या करते हैं नीचे रखते हैं, इंक्रीज वैल्यू है ऊपर रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह है इंटू 100, तो इंक्रीज परसेंटेज आ जाता है। डिक्रीज परसेंटेज भी वैसे ही होता है, क्या होता है डिक्रीज जितनी वैल्यू डिक्रीज होती है उसको ऊपर रखते हैं ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं इंटू 100, तो इससे डिक्रीज परसेंटेज आ सकता है। तो इसी का ही आपका जो है दूसरा फॉर्मूला ही बन सकता है, जैसे कॉस्ट प्राइस अगर निकालना हो और प्रॉफिट परसेंट दिया तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा देखिए इधर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। ठीक है, तो इसी से आप कई फॉर्मूला, जैसे आपने एक फॉर्मूला याद किया है तो उससे आप कई फॉर्मूला बना सकते हैं। सपोज आपको प्रॉफिट निकालना हो इससे, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा और अपॉन 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, एक अच्छा हम बता देते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो इसी फॉर्मूले से तो क्या होगा, ये देखिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट को इधर ही रखिए, प्रॉफिट परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस, क्या लिखिएगा प्रॉफिट परसेंट लिखिए और इनटू क्या कर दीजिएगा कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए इनटू कॉस्ट प्राइस, और फिर क्या कर रहेगा आप इसको प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, 100 को नीचे कर दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह सब फार्मूला को आप निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके। अब इधर देखिए सिंपल इंटरेस्ट, तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या है प्रिंसिपल होता है, जितने जैसे कि अमाउंट जो है उसमें क्या होता है एक प्रिंसिपल होता है, ए होता है रेट, रेट तो आपको पता है जैसे कि 4% रेट से बढ़ रहा है अमाउंट, ठीक है ना। ये टी क्या होता है टाइम होता है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अमाउंट क्या होता है जब प्रिंसिपल के साथ सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है तो अमाउंट हो जाता है। ए क्या बताता है अमाउंट और पी क्या बताता है प्रिंसिपल, जो पहले बैंक में हम जमा करते हैं उसे क्या कहते हैं प्रिंसिपल, और बाद में जब इंटरेस्ट के साथ हमको जो मिलता है उसे कहते हैं अमाउंट। ठीक है, ये इन कंपाउंड इंटरेस्ट पर, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा तब आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है पी, फिर क्या होता है 1 + r/100 की पावर n, ये p होता है प्रिंसिपल और r होता है रेट और n होता है अगर 4 साल के लिए हमने कर दिया कंपाउंड, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 लिखा जाएगा 4 साल के लिए, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। r है अगर उसको जैसे कि रेट है 5% तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, और ये प्रिंसिपल आपको पता है जितना अमाउंट जमा किया जाता है उसे क्या कहते हैं प्रिंसिपल कहते हैं, तो ये अमाउंट निकलेगा। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू देखिए लिखा है प्रिंसिपल प्लस एस आई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, और इसमें क्या आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई, इस वाले में हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस वाले का हो जाएगा ए इज इक्वल टू पी प्लस क्या हो जाएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो ये क्या हो जाता है सी आई। एरिया ऑफ रेट एंगल, तो एरिया ऑफ रेट एंगल देखिए बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, पुरानी क्लास के हैं, 6th 7th के हैं, पर हमने सोचा है 8th तक के सारे फॉर्मूले आप कवर करिए इसलिए हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख दिए हैं। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये रेक्टेंगल का शेप तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है रेक्टेंगल, तो एल इंटू बी, अच्छा चलिए बना देते हैं, ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल है आपका, देखिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है एक चीज एल है और दूसरी चीज बी है, तो क्या हो जाता है एल इंटू बी, पर इसी का पेरीमीटर क्या होता है, जैसे ये रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2l + b, क्या हो जाता है 2 बाहर ले लेते हैं और l प्लस बी, l लेंथ है और b क्या है ब्रेथ है। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर भी आपको शेप पता है, पर चलिए आपके इजीनेस के लिए हम बता देते हैं एक बार, ये क्या है आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, जो भी साइड है
जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये साइड इंटू साइड, ये होता है स्क्वायर का क्या होता है ये एरिया, पर इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा तो एस 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 को 4 बार क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, पेरीमीटर क्या हो जाता है, ये पी जो है पेरीमीटर शो कर रहा है, ये देखिए ये जो पी लिखा है हमने ये क्या बता रहा है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है 4s। ये तो पुरानी क्लास के हैं, 6th 7th के हैं, पर हम सोच रहे हैं आपका सब रिविजन हो जाए इसमें। ये देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब देखिए नए फार्मूले, ये क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला क्या होता है, एक्स क्या है ये, एक्स P1 + P2 अपॉन 2। ये एक्स क्या होता है, ये जैसे कोई भी एक डायगनल ले लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को हम निकालने के लिए एरिया क्या कर देते हैं, कोई भी एक डायगनल ले लेते हैं, उसकी लेंथ लिख देते हैं एक्स, और उस पर जो है वो दोनों वर्टेक्स से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, ये ले लिया हमने, तो यहां से लेंथ जो हुई P1 और यहां से परपेंडिकुलर जो लेंथ डाली P2, इस दोनों का जोड़ और ये एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का दोनों डायगनल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ये रोम्बस है तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया दोनों डायगनल का मल्टीप्लाई, ये जैसे लेंथ है यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये D1 है, 1 डायगनल है, और ये यहां से यहां तक का D2 है, जैसे अगर एक है 8 सेंटीमीटर और एक है 5, तो 8 × 5 कर लेंगे और बाई 2 कर दीजिए, ठीक है, रोम्बस का आ जाएगा एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम क्या होता है, दो साइड क्या होते हैं इसके, पैरेलल होते हैं, दो साइड क्या होते हैं आपके, पैरेलल होते हैं, तो ये जो पैरेलल साइड होता है उनको आज जोड़ दिया जाता है, उन साइड को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, क्या होता है ये आपका देखिए फिर से, ये X1 + X2 मतलब पैरेलल साइड का जोड़ और इनटू क्या होता है ये परपेंडिकुलर और अपॉन 2। ये जितने फॉर्मूले बता रहे हैं उसको खूब अच्छे से आप देख लीजिएगा और किताब में जितने सवाल है इसके रिलेटेड वो कर लीजिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, B × H, अब ट्रायंगल तो चलिए अच्छा ट्रायंगल भी बना देते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है तो ये बी, बी क्या है आपका बेस, ये है, और ये क्या है आपकी हाइट, ये हाइट है आपकी और ये क्या है बेस है, ठीक है, तो बेस इंटू हाइट बाई 2, ये आ जाएगा एरिया। पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जब साइड क्या है, ए बी सी साइड क्या है, सब अलग अलग है, जैसे कि आपकी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, ठीक है, जैसे हम इसको समझा रहे हैं अभी, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी सी सब साइड अगर डिफरेंट होते हैं तब एरिया हम कैसे निकालते हैं, और हाइट भी नहीं दी हुई है तो हम क्या करते हैं, तीनों साइड को जोड़ देते हैं, ए बी सी तीनों साइड को जोड़ देते हैं और बाई 2 कर देते हैं, जैसे अगर एक आपका 7 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे 7, 4, 8 को और बाई 2 कर देंगे, 3 नहीं करेंगे, बच्चे अक्सर 3 कर देते हैं क्योंकि सोचते 3 डिजिट है, तीन ऊपर 3 साइड है पर नीचे हम उसमें डिवाइड एस के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर पॉइंट में बच्चे दिक्कत बहुत होती है उन्हें, यहाँ पर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा एस, फिर उस एस से क्या करेंगे, S - A, S - B और S - C करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए ये सर्किल है, तो सर्किल का सर्कमफेरेंस ही उसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है, सर्किल का ये जो सर्कमफेरेंस होता है बाहरी जितनी ये जो है लेंथ है इसको ही सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है, ये उसके पेरीमीटर को ही कहते हैं, तो ये क्या होता है 2πr, जहां पाई क्या है 22/7, 22/7, 3.14, ठीक है, और आर क्या होता है उसका रेडियस होता है, ये तो आपको क्लियर है बेटा। एरिया क्या होता है, तो ये सर्किल का एरिया इसके अंदर जितना एरिया है उसे कहेंगे, ये कैसे निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा पाई आर स्क्वायर से, पाई आपको पता ही है 22/7, अभी बताया 22/7 और इंटू क्या है आर स्क्वायर, ठीक है, ये जो रेडियस है, यहां पर देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, नीचे देखिए लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो यहां पर देखिए टोटल सरफेस एरिया जो है ऑफ क्यूबाइड का जो है क्या आ जाएगा 2L + B, यहाँ क्यूबाइड होता क्या है ये तो आप लोग को पता होगा ना, क्यूबाइड होता क्या है, अच्छा देखिए हम बना देते हैं रिलेटेड, यहाँ पे बना रहे हैं क्यूबाइड किसे कहते हैं, जैसे आपका बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है, लंच बॉक्स है, तो ये सब क्या होता है आपका, ये सभी क्या होता है क्यूबाइड होता है, ठीक है ना, ये सभी आपका क्यूबाइड होता है, जैसे कि ये आपका फिगर है तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबाइड हो जाएगा, जिसमें क्या हो लेंथ भी हो, L, B, H, लेंथ होता है
ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइट, ठीक है। तो ये क्यूबाइड फिगर होता है। और यही क्यूब क्या होता है, जिसके सभी साइड इक्वल हो, ठीक है। जैसे आपका डाइस है तो वो क्या हो जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। और सिलेंडर किसे कहते हैं, जैसे ये सिलेंडर है, देखिए सिलेंडर है आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो गया, 2 LB + BH + HL, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6L2। देखिए ये सब तो फॉर्मूले लिखे हैं, पर आपको इसको समझना भी बहुत जरूरी है। टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा, ये जितने फेस हैं, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ क्यूबाइड है, तो देखिए ये चार फेस तो देखिए दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 3 4, ठीक है। और इसके ऊपर और नीचे का जोड़ देंगे तो 6 फेस है। ये देखिए चार फेस किनारे किनारे के बता रहे हैं, ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 फेस हो गए, और ऊपर और नीचे का मिलाकर 6 फेस। तो ये 6 फेस का पूरा एरिया जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो वही आपका है ये टोटल सरफेस एरिया। अगर ये क्यूब है तो क्यूब तो आपने देखा ना, डाइस, तो डाइस के कितने फेस होते हैं आपको पता है, 6 तक नंबर लिखे होते हैं ना, कि 1 आ रहा है मेरा, 3 आ रहा है, बोलते हैं ना 6 आ गया। तो यही जो है बेटा, डाइस के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो इसलिए 6 फेस का एरिया लिया जाता है। टोटल सरफेस एरिया क्या लिया जाता है, 6, जितने फेस है उसका एरिया लिया जाता है, जैसे 6L2। यही टोटल सरफेस के बाद हम आपको बताएंगे लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, जो किनारे के जितने एरियाज होते हैं केवल वो लिया जाता है। और आपका कौन सा एरिया नहीं लिया जाता है, ऊपर और नीचे फेस का। जैसे कि ये सिलेंडर है तो इसके ऊपर और नीचे का जब हम एरिया जोड़ देंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। पर जब हम इसके चारों ओर राउंड जितना फिगर है उसका जब हम एरिया लेंगे तो वो कौन सा एरिया होगा, वो आपका होगा लैटरल सरफेस एरिया। जैसे ये क्यूबाइड है, इसके चारों ओर का देखिए, इसका और इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का, चारों साइड का एरिया जब हम लिखेंगे तो ये एरिया क्या होता है आपका, ये होता है लैटरल सरफेस एरिया। इसी में ऊपर और नीचे का भी एरिया अगर हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें कई तरह से सवाल पूछे जाते हैं, क्लास 8 स्टैंडर्ड में ये पूछे जाते हैं बेटा कि एरिया दिया जाता है अगर नीचे का, नीचे का क्या दिया जाता है, अगर आपको पेरीमीटर दिया जाता है ये, कि इसका पेरीमीटर ये है, तो पेरीमीटर में अगर आप किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आ जाता है आपका किसका, लैटरल सरफेस एरिया आ जाता है, ठीक है। ये सब फार्मूले हैं उसी से रिलेटेड है, जब आप इसके सम्स करे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखिए लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, अभी हमने आपको बताया था कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, पेरीमीटर से उसके हाइट का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाता है आपका लैटरल सरफेस एरिया। कभी कभी ऐसा सम्स में भी दिया जाता है कि इसका जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा लैटरल सरफेस एरिया। बच्चे फार्मूला याद किए हुए हैं, तो अगर पेरीमीटर दिया हुआ है कि 150 है तो बस सीधे 150 उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। अगर कोई भी आपका बॉक्स है उसका नीचे का दिया हुआ है सरफेस एरिया, तो आपको उसको पूछा होगा कि लैटरल सरफेस एरिया बताइए और पेरीमीटर गिवन है, तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर से सीधे हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2L + B × H। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, चारों फेसेस का जोड़ देते हैं एरिया, ऊपर और नीचे का नहीं लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4L2। फिर है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखिए इसका फिगर पीछे बना हुआ था, उसमें हमने आपको बताया था कि ये आपका सिलेंडर है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, चारों ओर का एरिया जब हम लेंगे सिलेंडर का, देखिए इधर चारों ओर का जब हम एरिया लेंगे इस सिलेंडर का, तो वो क्या हो जाएगा, जितना एरिया है तो वो आपका हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। और फिर जब हम ऊपर का ये जो है एरिया, ये वाला और ये बेस का एरिया भी जोड़ देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो ये देखिए टोटल सरफेस एरिया का, यहाँ देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH + R, और ये सिलेंडर का कौन सा है, लैटरल सरफेस एरिया का होता है 2πRH, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि उसका नीचे का एरिया दिया हुआ है सवाल में, तो पूछा जाएगा कि क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा, जब एरिया दिया हुआ है तो L × B नहीं दिया जाएगा, तो वही एरिया से आप क्या करेंगे, हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, एल का क्यूब, एक साइड दिया जाएगा उसी का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, πR²H, ठीक है। तो आप वॉल्यूम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो क्या होता है बेटा, वॉल्यूम किसी भी चीज का जो होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बेटा बेस का एरिया, बेस का क्या होता है ये एरिया, और इनटू हाइट, ठीक है। ये किसी ने नहीं लिखा है पर आप ध्यान दीजिए, इसका बहुत यूज बहुत होता है, ये लिखा नहीं गया बुक में पर इसका यूज बहुत ज्यादा होता है सवालों में। अक्सर बेस दिया जाता है, बेस का एरिया, कि एक क्या है आपका क्यूब है, एक जैसे ये क्यूब है ना, तो उसका क्यूब का दे दिया गया कि इसका एरिया ये है तो उसका क्या होगा, तो आप निकाल लेंगे हाइट से मल्टीप्लाई करके। अगर क्यूबाइड है उसका दे दिया गया कि बेस का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 80 स्क्वायर,
80 स्क्वायर मीटर एरिया दे दिया है और हाइट दे दिया है क्यूबाइट का, तो आप क्या करेंगे, 80 स्क्वायर मीटर जब एल इंटू बी दे दिया है तो सीधे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेस का एरिया इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया में भी यही होता है। देखिए अगर सरफेस एरिया किसी का भी पूछा जाए, देखिए हम आपको बता रहे हैं, तो सरफेस एरिया अगर किसी का भी पूछा जाए एस ए मेन चीज जो है क्या होता है बेटा, ये पेरीमीटर होता है, क्या होता है बेटा, पेरीमीटर इंटू हाइट का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज में तो वो सरफेस एरिया रहता है। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड लिखा है तो इसमें क्या हो जाएगा, हमने बताया पेरीमीटर इंटू हाइट, तो देखिए ये पेरीमीटर है, ये क्या है 2l प्लस b क्या है, पेरीमीटर है ना, आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर इंटू हाइट कर दिया। ये क्या है बेटा 4l, तो 4l क्या होता है आपका, 4l आपको पता है पेरीमीटर होता है, तो 4l पेरीमीटर इंटू हाइट, हाइट भी उसकी क्या होती है, अगर क्यूबाइड है तो l है, तो ये क्या हो जाएगा 4l का स्क्वायर। सिलेंडर में भी आप देखिए जो नीचे का था सर्कम, जो नीचे का था वो क्या था, सर्किल था, तो सर्किल का एरिया यहाँ पर देखिए सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, और इसमें h का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें याद कर लीजिए कि सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला ये भी है पेरीमीटर इंटू हाइट, और ये वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है बेटा बेस का एरिया इंटू क्या होता है हाइट। डायगनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और डायगनल ऑफ क्यूब क्या होता है ए अंडर रूट 3। अब ये देखिए हमने कुछ यूनिट्स लिखे हैं, ये हर जगह आपको यूज आते हैं, इसलिए आप इतने यूनिट्स तो अच्छे से याद कर लीजिए, क्लास 9 के एंट्रेंस में जितने सवाल हैं वो लगभग इसी के बेस पे दिए जाते हैं। देखिए 1 लीटर क्या होता है 1 डेसीमीटर के क्यूब के बराबर होता है, या क्या होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या होता है 0.001 लीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 किलोलीटर ये क्या हो जाएगा आपका 1000 लीटर या 1 मीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए ये लीटर जो है मेंशन किया है, तो लीटर की जगह आप इसको ग्राम में भी बदल सकते हैं, तो इसको आप क्या लिख देंगे, अगर 1 ग्राम लिखेंगे ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 ग्राम है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेसी ग्राम, ये जो है ठीक है, यहाँ पर आपका ये सेंटीमीटर, तो ये सब चीज आपका जो है ग्राम में भी चेंज हो सकता है, जैसे मिलीलीटर, मिलीलीटर को हम लिख सकते हैं मिलीग्राम ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं फिर हम ग्राम ठीक, और यहाँ क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर की जगह सेंटीग्राम, तो आप इसको ग्राम में भी कर सकते हैं, लीटर की जगह क्या क्या लिख सकते हैं हम इसको ग्राम भी लिख सकते हैं, और आपका लीटर है, तो आप इसी तरह से जो है सब यूनिट तैयार कर लीजिएगा, और जितना आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ऐसा नहीं है कि जो जो आपने पढ़ा है वो सोच रहे हैं कि अब क्लास 8 का एग्जाम हो गया है और ये सब हार्ड सम्स है ये सब नहीं देखने हैं, इंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बताया अपने स्कूल की बुक लगाइए, एनसीईआरटी बुक लगाइए अच्छे से मैथ्स की, जैसे क्लास 8 की पूरी अच्छे से एनसीईआरटी लगाइए, अपने स्कूल की लगाइए, और आरएस अग्रवाल की भी जरूर लगा लीजिए, और अगर आपको MCQs है आपकी बुक में तो उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड जो है वो नहीं पूछे जाते, इंट्रेंस में हम देखते हैं कि आपको फंडामेंटल नॉलेज है कि नहीं, आपने जो सब्जेक्ट जो पढ़ा है वो आपको आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है अच्छे से फार्मूला को देख लीजिए, लर्न कर लीजिए और रिविजन कर लीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो में जैसे अभी हम डालेंगे उसमें कुछ जो है फार्मूला है आपका प्रोपोर्शन का और एक्सपोनेंट का और एलजेब्रा का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम डाल देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़िए पढ़िए और आगे बढ़िए।